आज तेरे लिए एक लड़की का रिश्ता आया है। भाई, भाई मुझे कोई शादी नहीं करनी। देख बेटा, मेरी बात मान। ना कहने से पहले तू लड़की की तस्वीर देख। अरे अच्छी है दिखने में, घर वाले सब पढ़े लिखे हैं, अच्छा घर आना है। देख। अच्छा मुझे शादी नहीं करनी तो फिर फोटो देख के क्या करूंगा? प्लीज मुझे कोई शादी नहीं करनी। अरे अरे मानो मानो मानो। तो क्या मैं उनको ना कहूं? कोई तू बैठ कर, मैं सब कर लूंगी। वही नहीं, हम बाद में साथ में बैठ जाएंगे खाना खाने। खाना बहुत ही टेस्टी बना है। Obviously वैशु, इतने हैंडसम लड़के के बारे में सोच सोच कर खाना बनाएगी तो खाना बढ़िया बनेगा ही ना। बस भी करो तुम लोग, हाँ कितना चिढ़ाओगे उसे। रुको मैं देखती हूँ। हेलो हेलो, आप? नमस्कार, मी मानवची आई बोलते। हाँ हाँ हाँ, नमस्ते, मी सुलोचना करंजकर, अर्चना की आई। मैंने इसलिए फोन किया, आपकी बहू आई थी हमारे घर आपके बेटी का रिश्ता लेके। जी जी, कहिए ना। माफ कीजिए, हमें रिश्ता मंजूर नहीं है। क्या? लेकिन क्यों? हमारे मानव ने शादी से इनकार किया, वो नहीं चाहता इतनी जल्दी शादी। अरे आई, किसका फोन था? नहीं वो रॉन्ग नंबर था, कोई शशांक नहीं, शैलेश। वो है क्या पूछ रहा था मुझे, मैंने कहा नहीं, फिर भी फोन किए जा रहा था। अरे छोड़ो बिना वो सब। वर्षा जरा जी मराठी लाओ। क्यों? मला कळत न कळत सीरियल पाहिजे। आप रिपीट में देख लो बाबा, अभी जी टीवी लगाएंगे, सारे गमा पर देखना है ना वैशु? हाँ बाबा, जी देखना है बाबा, सारे गमा देखना। हाँ बाबा, सारे गमा देखेंगे हम तो। अरे नहीं, आज का एपिसोड मैं मिस नहीं कर सकता। क्यों? अरे आज तो उसमें तय होने वाला है कि वो हीरो की शादी हीरोइन के साथ होगी कि नहीं, पता है? कम ऑन बाबा प्लीज, उस हीरोइन की शादी का टेंशन ले रहा है आप इतना? आपकी बेटी की शादी तय हो गई, उसके बारे में सोचिए जरा। क्यों? मैं क्यों तू बदलना? अरे आई, के केबल का पैसा नहीं दिया बस ना। चार दिन से एक ही पिक्चर दिखा रहा है। सचिन कैसी बातें कर रहे है तू अपनी माँ से? वंदु चुपचाप खाना खाओ। पता नहीं इतनी अच्छी लड़की को मानव ने रिजेक्ट क्यों किया? उसने फोटो देखी ही नहीं है, ऐसे ही मना कर दिया। कहता है शादी ही नहीं करनी। दादा कम से कम एक बार तो उस लड़की की फोटो देख लेनी चाहिए थी। हाँ दादा, इसके बाद में पॉइंट तो है, पहली बार इस पकाऊ ने ढंग की बात की है। तुम लोग फिर से शुरू हो गए। कितनी बार कहा कि जब तक तुम्हारी पढ़ाई पूरी नहीं होगी और तुम्हें नौकरी नहीं मिलेगी तब तक मैं शादी के बारे में सोचूंगा भी नहीं। ऊपर वाला चप्पर फाड़ कर देता है, लेकिन हमारे यहाँ खाली बगल में दबा के बैठा है। सोचा था बहू लाऊंगी, जेवर लाएगी।
मेरी जिंदगी जैसे जल गई। सुलोचना, ये 50,000 रुपए हैं। सतीश के साथ शादी की बात तय हुई थी तो मैंने एक एफडी तोड़वाई थी, सोचा था शादी के खर्चे के काम आएंगे, लेकिन खैर कोई बात नहीं, तब काम नहीं आए, अब तो काम आएंगे। लो, अरे इतना क्या सोच रही हो? आई इसको बताओ ना, इस साड़ी की ड्रेस मैं सिलवाने वाली थी, अब ये कह रही है इसे सिलवानी है। आई तुम इसे कोई और साड़ी दे दो प्लीज। हाँ मैं अभी दो, नहीं तो ये मुझे तंग करती रहेगी। जाओ जल्दी आई। ये तो बच्चों की कुंडलियां हैं। ताई ये कलर कैसा लग रहा है? नहीं, बाबा मैं पहनने वाली हूँ। ताई अब ये कह रही इसे पहनिए। पहले मैंने बोला था। एक मिनट, आई आ गई। आई साड़ी कहाँ पहनी तुमने? एक मिनट, ये शादी नहीं हो सकती। सुलोचना, मैंने अभी उन लोगों को फोन करके बता दिया। तुमने शादी की और वो भी इस तरह फोन पर? लेकिन क्यों? क्योंकि इन दोनों की कुंडलियां नहीं मिल रही। वो लड़के का मानव का मंगल भारी। क्या कहा? मंगल भारी है? और इतनी सी बात के लिए? सुलोचना तुम पागल हो गई हो? इतनी सी बात के लिए तुम इतना अच्छा रिश्ता ठुकरा रही हो? लड़का अच्छा हो या बुरा, मुझे कोई रिस्क नहीं लेनी है बस, क्योंकि मैं नहीं चाहती हूँ कि शादी के बाद कोई हादसा हो। अगर ये बीमार हो गई तो ये मंगल का मामला है, इसलिए मैंने सीधा मनाई कर दी। लेकिन एक बार मुझसे पूछ तो लिया होता। ऐसा कौन सा बड़ा दोष था उसमें कुंडली की? दोष बड़ा हो या छोटा, मैं कोई रिस्क नहीं लेना चाहती। कुंडली मिलेगी तभी शादी होगी, वरना 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 क्या सोचना? जिंदगी भर अपने बेटी को घर में बिठा के रखोगे? सुलोचना तुम ही चाहती थी ना कि अर्चना के लिए एक पढ़ा लिखा और बड़े घर का लड़का मिले। मानो में वो सब कुछ है, कम से कम अर्चना के बारे में एक बार तो सोचा होता तुमने। डाउनलोड कीजिए Z5 ऐप अभी और देखिए आपके पसंदीदा शोज कभी भी कहीं भी फ्री में।